अक्षय सर, जब से हम लोग ट्रेलर देख रहे थे, आप बड़े भाई को रोल प्ले कर रहे हैं, एक सवाल पूछना है मेरे को आपसे। आप इसमें सबसे बड़े भाई है, मैं फैमिली में सबसे छोटा भाई हूँ, तो ये छोटों पे जिम्मेदारी क्यों आती है कि बॉटल पानी भर के फ्रिज में रखो, कूलर में पानी हम ही डालो, दरवाजा हम ही खोलो, दूध की पैकेट हम ही लो, हम छोटों पे इतनी जिम्मेदारी क्यों आती है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये मुझे याद है मेरी बहन मुझसे छोटी है, मैं अगर उससे मस्ती करता था, छेड़ता था तो वो रोती थी, तो फिर मेरे घर वाले बोलते थे, मम्मी डैडी बोलते थे, बेटा वो छोटी है, तू बड़ा है, तू समझा कर, अकल रखा कर, ठीक है चलो ये बात समझ में आई। फिर मेरा मामा कभी घर पे आते थे, वो मेरे से छेड़खानी करते थे, तो मैं रोता हूँ या मैं उनसे मस्ती करता था, तो मेरे माँ बाप फिर मुझे ही बोलते थे, बेटा तू छोटा है, वो बड़े हैं तुझसे, उनकी इज्जत किया कर। मेरी ये समझ में नहीं आता था कि मैं छोटे को भी नहीं छेड़ सकता हूँ, बड़े को भी नहीं छेड़ सकता हूँ। तो आई थिंक दिस ये जो है, आप क्या बोल रहे थे, पानी भर, हाँ, छोटे बच्चों छोटों का ही काम रहता है, हमेशा कूलर पे पानी भरो, बोतल में पानी भर के फ्रिज में रखो, बड़े लोग सिर्फ ऑर्डर देते हैं, भाई तुम कर चलो, लड़ने की क्या जरूरत है, भर ही दो ना यार, तो क्या पानी भरने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मुझे फैमिलीज बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि हम हिंदुस्तानियों के लिए ये हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट वो रहा था, और धीरे धीरे ये फिल्म जो मेरे दिमाग में भी आई, उसकी भी वजह यही रही कि मुझे ये लगने लगा था, स्पेशली पैंडमिक के दौरान, कि हमारे जो सबसे नज़दीकी जो अपनी लाइफ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फैमिली ही होती है। और हम लोग पिछले कुछ एक दो डिकेड से अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गए, और अच्छी बात है, काम करना चाहिए, बट एक वो वाले पल होते हैं जिसकी वजह से आप अच्छा काम कर सकते हैं। वो जब तक आप अपनी फैमिली के साथ नहीं बिताएंगे, शायद अपना काम भी उतनी बखूबी नहीं कर पाएंगे। सो ये फिल्म बनाने की वजह भी वही थी कि मैं ये दर्शा सकूं, बहुत टाइम से एक क्लीन फैमिली इंटरटेनर नहीं आई, और मेरा बहुत मन था, इसलिए मैंने ऐसे लोग चुने जिनको देख के मुझे लगे कि मैं परिवार के साथ हूँ। और ये फिल्म बनाते वक्त भी हमें ऐसा ही लगा कि एक परिवार है, और आज भी जब हम आपके सामने बैठे हैं और हमें ये पता है कि 11 अगस्त को ये फिल्म आ जाएगी, और उसके बाद ये फिल्म आप लोगों की हो जाएगी, आप लोगों को पसंद आएगी, कईयों को बहुत पसंद आएगी, किसी को कम पसंद आएगी, उसके बावजूद ये फैमिली जो है ये मुझे लगता है अब जिंदगी भर रहेगी। तो ये कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, एक फैमिली बनाना, उसको स्थिर रखना, तो हाँ, और फैमिली होती तो खाने को मिल ही जाती। बिल्कुल सर। एंड सभी दीदियों से पूछना चाहता हूं मैं, वैसे मैं खूबसूरत लड़कियों को दीदी अक्सर बोलता नहीं हूं, लेकिन अगर बड़े भाई खिलाड़ी हो तो फिर कुछ नहीं करते। सो आई वन सीन इन द ट्रेलर, मेरे को पता है कि वी ऑल कनेक्ट विद, वो एक समोसे के लिए जब लड़ाई होती है, ये आप लोगों के घर में कभी आई एम प्रीटी श्योर हुआ होगा, तो अंदर की वो फीलिंग वो याद रख के वो समोसे के लिए लड़ाई हुई है आप लोगों की, या फिर हाउ वाज दैट? दैट सीन इज लाइक मेरा वन माय फेवरेट सीन इन द ट्रेलर एज ऑफ नाउ। या आई मीन घर पे, मतलब बचपन में भाई के साथ होती थी चॉकलेट्स पे और काफ़ी सारी चीज़ों पे, बट व्हेन वी वर लाइक शूटिंग दिस, मतलब अब तो नहीं होता है, बट व्हेन वी वर शूटिंग दिस, तो दैट लाइक लिटरली रिमाइंडेड मी ऑफ दोज डेज, एंड इट वाज वेरी मच फन बिकॉज बहुत ही मज़ेदार सीन था, और हमें कुछ काफ़ी टेक्स लेने थे, तो पूरा समोसा, वी स्टार्टेड स्मेलिंग लाइक समोसा एक टाइम बाद। जल्दी से बताइए कितने समोसे आप लोगों ने वो मल्टीपल शॉट्स में यूज़ करे हैं? अरे मुझे लगता है कि आनंद सर को बहुत मजा आ रहा था कि हम खाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए वो बार बार टेक ले रहे हैं। सबको देखने में बड़ा मजा आ रहा था, एक टाइम पे समोसा यहाँ पे हर जगह लगा हुआ था। आई थिंक हम लोग ऐसे खाते करते करते कुछ चार पांच समोसे तो खाई गए। पांच समोसे एंड द सीन जहाँ पे रिश्ते जहाँ देखते हैं रिश्तों की बात कर रहे हैं आप, बिस्किट कौन सा बिस्किट खाया था? Like which biscuit was that? दिल का बताइए कौन सा बिस्किट खाया था? कुत्ते का बिस्किट था वो। Actual में it was a protein biscuit. Oh. पर अच्छा था, मजा आया।
दीपिका आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू आप हैदराबाद छोड़ते वक्त कंपलसरी दो डब्बे उस्मानिया बिस्किट लेके जाइए हमारे पास के डेफिनेटली डेफिनेटली टू गो बिस्किट आप लाइफ में दूसरा बिस्किट नहीं खाएंगे फॉर श्योर पक्का हाउ वाज द एक्सपीरियंस आप लाइक ऑल फोर ऑफ यू हैव बीन वर्किंग विद लाइक अक्षय कुमार एंड आनंद सर आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था लाइक इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आई वॉन्ट से एक्सपीरियंस था एक्सपीरियंस अब तक चल रहा है इट्स बीन ग्रेट और अब भी हम लाइक ऐसा एक मिनट नहीं है जो हम बोल रहे अच्छा थक गए हैं चलो लेट्स रेस्ट बट हर एक मोमेंट में इतनी एनर्जी है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि टाइम कैसे निकल जाता है और हम ऐसे ही हंसते खेलते यू नो वी स्पेंड दैट टाइम तो इट हैज बीन एन एक्सपीरियंस एंड अ मेमरी दैट आई विल चेरिश forever and ever even though iske baad I will do something maybe hoga nahi hoga but ye hamesha mere sath rahega so yeah akshay sir anand sir bata rahe the ki you know puri family entertainer banana cha rahe the I do not recall like last time ek bhai behan ke upar movie kab bani thi this is we are seeing after a very very long time I'm pretty sure mere sath dusre log sabhi log excited hai was this one of the reasons aapko ye plot pasand aaya the whole concept of the brother sister relationship yeah obviously because none of the films yes. since last 30 40 years exactly. has been on brothers and sisters love and this was a unique one and when he told me about it I just went for it he just gave me a narration for 10 to 12 minutes and there I was I said just I told him let's start the movie as soon as possible date is yours and story is mine. आपने brothers भी कर लिया अभी आपने sisters भी कर लिया. Akshay sir, welcome to Hyderabad sir. I'm Neha from ABN Andhra Jyoti, waiting for you long and it's really, nice really to see you. No apologize. Really apologize. It doesn't happen to me. But it happened. That we are happy. We were just. Akshay sir, when we were at the airport and waiting at the Indore airport. अभी फ्लाइट जाएगी एंड वी वर इन द फ्लाइट इन द एयरक्राफ्ट फॉर टू एंड हाफ आवर्स सो ही वाज वरीड सिंस देन एंड आई सेड व्हाट कैन यू डू अबाउट दिस यस या दे मस्ट बी वेटिंग दे इज वेरी पंचुअल पर्सन दैट इज पंचुअल द प्रॉब्लम इज आई एम द फर्स्ट वन टू गेट इनटू द फ्लाइट वी आर वेरी पंचुअल वी नो दैट वी हैव लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद यू नॉट वन थिंग इज दैट आई मतलब मुझे किसी के टाइम की है ना बहुत कदर होती है आई ट्रूली एग्री आई बिकॉज़ इवन आई डोंट लाइक वेटिंग I really don't like waiting. If I'm there, I'm say if somebody is late and there is no reason for the person to come late, then I really am very very angry and very upset about it. But I really apologize, no. and there was nothing I could do about the flight. I'm speaking in the middle. एक मिनट सर आप प्लीज सॉरी मत फील करिए हम लोग सब हैदराबादी है आप टेक्निकली 5 मिनट पहले आ गए You please don't feel bad about it. I can't say this. So मैं वही बोल रही हूँ सबर का फल मीठा होता है. 5 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गया हमारा इवन हमको कोई देर वर नहीं हुई हम ठीक हैं बिल्कुल. We are happy. Yes, we are happy. Now, Akshay sir, my question is, do you remember your first gift which you have given to your sister or sister has given to you? Do you still remember? वो fourth or fifth standard में होता है ना आज मेरी बहन मुझे कुछ देगी या मैं बहन को दूंगा कुछ याद है ऐसा? जो मैंने गिफ्ट अपने सिस्टर को दिया था आई थिंक वो पता है वो फैंटम की एक सिगरेट पैकेट यस यस स्वीट वाली तो वो गिफ्ट दी थी मैंने एंड देन बोथ ऑफ अस टू वन सिगरेट एंड वी जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड विद दैट चॉकलेट एंड स्टार्टेड ईटिंग दैट सिगरेट आई डोंट नो आपको पता नहीं फैंटम की कभी थी यस Yeah. Have you protected your sister in school or कभी ऐसा लगे नहीं मेरी बहन है मुझे प्रोटेक्ट करे मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था आपने कहा था कि बहनों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए उन्हें सिखा देना चाहिए कि वो खुद प्रोटेक्ट करे अपने आप को सो कभी स्कूल में ऐसी फीलिंग आती थी मेरी बहन है इसको एक्चुअली तो मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ वो स्कूल में वो नहीं पढ़ी है मेरा बॉय स्कूल था उसका गर्ल स्कूल था तो हम लोग दोनों बहुत अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे तो अब ऐसे ऐसी कभी जरूरत पड़ी नहीं कोई प्रोटेक्शन या वो सब ये सब कोई जरूरत पड़ी नहीं हाउ यू सेलिब्रेटेड रक्षाबंधन इफ यू आर शूटिंग ऑन द सेम डे हाउ इट वर्क्स आउट फॉर यू वेल अर्ली मॉर्निंग आई जस्ट गो टू हर एंड मीट हर एंड सिंस लास्ट 48 इयर्स इट्स ऑलवेज बीन सुन तो लो मैडम ओके कहाँ था मैं चला गया 48 years I've been just
going in the morning, early morning, at around 7 o'clock, and by 7:30 she ties the rakhi to me, and that's always been the schedule since last 48 years now. She's also happy for morning rakhi. Yeah, yeah, yeah. We've been taught like that, early morning, 7:30, 7:30, 8 o'clock maximum. Hi, this is Taruna from NTV. Yeah, hi. So, hello everyone. Hi. So, my question is like, you were always a person with very rustic and rugged look always from the Khiladi days till today. So, now you have, I'm just seeing your Instagram post and you're getting into this groove of fashion and everything. The t-shirt you're wearing also is like, something different. क्या है उसका राज? ये पहली ऐसा पहली बार देखा क्या आपने मेरे टीशर्ट को? तो मैं वैसे क्या पहनता हूँ? क्या पहनता हूँ? उसमें जो होल है वो पहली बार देखा है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं। चलो ठीक है, वैसे ऐसा है नहीं। I've worn these kind of t-shirts a lot of time. Maybe in Hyderabad you must have seen for the first time, but I've always worn these kind of t-shirts and things like that. Yeah. So my question was, are you getting into that groove of following a lot of fashion? Or even understanding fashion, which is going on nowadays, trend? No, for me, my fashion is absolutely very simple. For me, fashion is whatever I'm comfortable in. Mera bas chale to red carpet, ye jo hote hain fashion awards and all, main to pajama kurte mein chala jaun, track pants mein chala jaun. मैं basically whenever I go anywhere I just wear something which is very very comfortable to my body and I like things which are very soft. I don't like very hard kind of rough edge kind of cloth or something. But for me I just wear whatever is comfortable for me. Anand sir, आपके movies में हम लोग देखते हैं कि एक emotion जो carry होता है starting से वो लास्ट तक वो कैरेक्टर तक चलता है. मतलब वो इमोशन इज लाइक इधर डबल्ड और एक ट्विस्ट आने के बाद भी वो कैरेक्टर विल हैव दैट कंट्रोल ओवर द इमोशन. सो व्हाट इंस्पायर्स यू फॉर दैट? व्हाट इंस्पायर्स मी फॉर दैट? वेरी ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इट्स मोर टू डू विद आर अपब्रिंगिंग एंड स्पेशली आर हिंदी फिल्म्स. What has been taught to us since our childhood, there are few things, four or five things what our parents teach us. मुझे लगता है इसी वजह से हमारी कहानियों में जब तकलीफें भी आती हैं या खुशी भी होती है वो जो बेसिक मेक है हम लोगों का वो नहीं बदलता है. We have been taught like this. Those middle class value tells us few things that ये चीजें अपने साथ जिंदगी भर रखना और हमें सौंप दी जाती है. तो मे बी अभी जब आपने पूछा था ना, आई ओनली रियलाइज कि मे बी दिस इज व्हाट हैज बीन टॉट टू अस कि एक स्माइल अपने साथ जरूर रखना, सॉफ्ट रहना लोगों के साथ, प्यार से बात करना, तकलीफ आए उसको एक स्माइल के साथ लेना. मे बी दीज आर फ्यू थिंग्स विच हैव बीन विद मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और मैं कहानियों में भी उसी तरीके से जाता हूँ. So I think this is that middle class value. और मैं अपने because I try to stay rooted, मैं अपने आसपास से ही कहानियाँ उठाता हूँ. तो मेरे को लग रहा है शायद यही एक वजह है कि कहानियाँ मेरी उस तरह से फ्लो करती हैं. Hello sir, I'm RJ Ayushi from Fever FM. Hello Anand ji, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, thank you. Thank you. कैसे हैं अक्षय जी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपको याद नहीं होगा लेकिन हमने साथ में बाला डांस किया था स्टेज पे. Last time we all were part of the dance. What are you saying? Okay, I don't remember that. Good luck to you. Thank you so much, sir. So, sir, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे, कभी आपने अपनी बहन को फंसाया है खुद को बचाने के लिए? फंसाया है? Actually, नहीं ऐसा कुछ incident तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी फंसाया. हाँ, ये जरूर है कि उसने मुझे बचाया है. कैसे? अपने आप ही बचाया है. कभी माँ बाप की पिटाई से बचाया है, कभी मास्टर जो मेरे घर पे आता था सिखाने मुझे उससे बचाया है. तो वो सब चीज़ों से, छोटी मोटी चीज़ों से, लेकिन कभी फंसाया नहीं अपनी बहन को. थैंक यू सर. आनंद जी, मेरा एक सवाल आपसे, एक शो पर
एक कमेंट पढ़ा गया था कि नाम कितना भी राय रख लो लेकिन राय तो अक्षय कुमार ही देंगे, तो यहाँ पर आपकी राय सुनी जाती है या अक्षय सर ही आपको राय देते हैं? एक तो ये फिल्म बनाने का प्रोसेस मेरे लिए बड़ा इतना अपना सा रहा है, मतलब इन ऑल माय फिल्म्स एंड स्पेशली इन दिस फिल्म, कि यहाँ पे ना जैसे मैंने आते ही बोला कि इट्स फॉर मी इट इज फैमिली, सो मुझे कभी भी और ना ही मेरे को आज तक बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे नहीं पता कि डायरेक्शन कॉन्वर्जेशन को छोड़ के और क्या होती है, मेरे लिए कॉन्वर्जेशन ही होती है डायरेक्शन। सो राय सिर्फ मेरी नहीं होगी, ये मैं जानता हूँ, मुझे बातें करना बहुत पसंद है, उन बातों में से मेरे को डायरेक्शन मिलती है, वो कहीं से भी आ जाए, वो अक्षय सर दे दें, वो दीपिका दे दे, वो सादिया दे दे, वो कोई भी दे दे, तो मेरे लिए फिल्म मेकिंग और मैं इसलिए शायद एंजॉय कर पाता हूँ, आई लुक फॉरवर्ड टू बी ऑन सेट्स विद माई एक्टर्स, दैट आई लव कॉन्वर्जेशंस एंड दैट्स वेयर माई डायरेक्शन लाइज। हेलो, नमस्ते अक्षय सर। नमस्कार। मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस मैं आपके लिए राखी लेके आई थी बांधने को, तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बांधू, नहीं तो वापस घर लेके चले जाऊंगी। मराठी भी होते हैं ना? लेकिन ये मेरे इसको सूट भी होता है। My question is for any one of us. Apart from the on screen, Akshay Kumar ka affection off screen kaisa tha? Aap log ke liye. On screen to jitna tha usse kahin zyada off screen affection tha aur hai bhi. Hum logo ko bahut sara inhone khana khilaya hai. बहुत सारा गेम्स खिलाए हैं और अभी भी हम ट्रैवल करते वक्त हम पूरा ध्यान दिया जाता है हमारा कि हम अच्छे से खा रहे हैं और हमें एंटरटेन करने के लिए बीच बीच में हम गेम्स खेलते रहते हैं। अगर आप आजकल इंस्टाग्राम से अपडेटेड हैं तो आपको दिख रहा होगा हम लोग चिड़िया उड़ खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, काफ़ी सारे गेम्स खेल रहे हैं, तो आई फील मतलब ही इज़ अ वेरी केयरिंग एंड जेन्युइन प्रोटेक्टिव पर्सन। तो इवन सेट पे भी शूट्स के बीच में कुछ भी होता था तो ही यूज़ टू लाइक वेरी ही यूज़ टू टेक केयर ऑफ अस कि ध्यान रखना कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है एंड एवरीथिंग। सो या आई मीन जितना ऑन स्क्रीन है उससे कहीं ज़्यादा ऑफ स्क्रीन ही इज़ केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव एंड अफेक्शनेट फॉर श्योर। अक्षय नाउडेज द ऑडियंस आर नॉट कमिंग टू थिएटर्स, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑल ओवर द इंडिया। सो इस टाइम पे आप लाल सिंह चड्ढा से क्लैश कर रहे हैं आपका मूवी, कैसे ये हाउ डू यू सी दिस? सो इट्स अ बिग हॉलिडे वीक एंड वी प्रे दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट टू मूवीज आर कमिंग टुगेदर, देयर हैव बीन टाइम्स देयर आर थ्री मूवीज कमिंग टुगेदर एंड टू मूवीज कमिंग टुगेदर एंड दे बोथ हैव डन वेल एंड सो ऑल आई कैन से इज वी कैन ऑल प्रे एंड वी कैन ऑल विश that both the films do very well on box office so that people can keep on coming with more and more films. And as you see, last 2-3 years, there was COVID. So there was no films releasing on theaters. So lots of films have come together now. So this is bound to happen that many films will come together with each other. Sonia hai, mi Mumbai tun hai. Tumhi jaasta mahilanvar picture manje Adi Padman, ata Raksha Bandhan, manje tumhi mahilana jagruk karta ka? म्हणजे पुरुषांना सांगता की महिलांना कसं वागवायचं का? असं काही नाही आहे, मी
पुरुषांबरोबर पण बनवतो आणि मुलींबरोबर त्यांच्यावर पण बनवतो. असं काय नाही आहे, असं माझ्या डोक्यात हे नाही आहे की असं करायचं आहे, पण ते सगळं मी मिक्स करून बनवतो. हां, बट यू हॅव टू आस्क हर टू ट्रान्सलेट अ क्वेश्चन फर्स्ट. Asking that why I've done Mission Mangal, I've done this film, do I want to Padman, do I want to make on women empowerment? So I told her it's not like that. I want to make in everything. I'm saying it's not about women only, it's about men also. So it's not nothing about that. That's what she was asking. One last question. आनंद सर, आप बता रहे थे कि यू नो आप जब शूट करते हैं इट्स लाइक द फैमिली की फीलिंग आप लेके आते हैं. अक्षय सर, आपने दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम आपने फैमिली ओरिएंटेड मूवीज की है, एंड एज आई कैन सी इन द ट्रेलर काफी क्लोजनेस आ जाता है, यू द होल यूनिट वर्क्स एज अ फैमिली. तो जब मूवी रिलीज वगैरह हो जाती है डिटैच होने टाइम लगता है, बिकॉज व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट इट्स अ वेरी, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा. मैं मेरे लिए बहुत वैसा हो जाता है. मेरे लिए इनफैक्ट अभी भी जब हम लोग बातें कर रहे हैं इस बारे में और वी आर ट्रैवलिंग टू प्रमोट आवर फिल्म, मुझे ये लगता है कि एग्जैक्टली आखिरी के 10-15 दिन वैसे होते हैं जब घर पे बेटी की शादी हो रही होती है. घर बहुत बिजी होता है, बहुत सारा काम चल रहा होता है, आप इधर से उधर जा रहे होते हैं, और उसका मुझे यही लगता है कि ये प्रोसेस शादी में या फिल्म रिलीज में वो ये होता है कि आप थक जाएं पूरी तरीके से. तो जिस दिन बेटी की डोली उठे आप इतने थके हुए हों कि आपको नींद आ जाए. तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल वैसा ही है, एक शादी और एक बेटी की शादी और फिल्म की रिलीज. तो ये डिटैच तो होना मुश्किल है, पर हाँ अपने आप को इतना थका लेते हैं कि उसके बाद 3 दिन आप सोते हुए निकलते हैं, उसके बाद आप जागते हैं तो आपको पता चलता है कि बेटी जा चुकी है दूसरे घर. थैंक यू सो मच. Thank you so much.